दोस्तों नमस्कार, मैं एडवाइस प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश और आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चीन का प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों है। दोस्तों इसका प्रोडक्ट सस्ता होने का मुख्य रूप से पांच कारण है। पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी चिप, तीसरा चीप एंड हाईली एजुकेटेड लेबर, चौथा लो एडवर्टाइजिंग और पांचवा कंपनी का साइज। दोस्तों चाइनीज कंपनी जो है रिसर्च और डेवलपमेंट जो है नहीं करती है। पहला जो कारण था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो वो चीन का जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल सैमसंग एप्पल, अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले रिसर्च करता है, इसके बाद उसको रिसर्च करती है, डेवलप करती है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी जो है, यानी सैमसंग एप्पल बड़े बड़े कंपनी जो सभी है, या फिर किसी अन्य फील्ड का कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो ये फोन बनाने वाले हो, कंप्यूटर बनाने वाले हो, या फिर इलेक्ट्रिक कोई भी सामान बनाने वाले हो, या फिर किसी भी तरह का कंपनी क्यों ना हो, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है वो पहले अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करवाते हैं, डेवलप करवाती है और इसके बाद जो है प्रोडक्ट तैयार करती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो फोन बनाती है, अच्छा कंपनी, तो उस कंपनी को जो है फोन बनाने में लगे सभी पार्ट जो है उसको पहले वो रिसर्च करवाती है, डेवलप करवाती है। जैसे मान लीजिए उस फोन में क्या सब लगा रहता है, जैसे मान लीजिए प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले और भी कई तरह का जो है पार्ट लगा रहता है, उसको पहले उस पार्ट का जो रिसर्च करवाती है, डेवलप करवाती है, इसके बाद जो है वो फोन तैयार करती है। तो इस कंपनी को जो है रिसर्च और डेवलपमेंट करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, लेकिन चाइनीज कंपनी इन्हीं के रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पर अपना प्रोडक्ट बनाती है और यानी ये कॉपी करके जो है प्रोडक्ट तैयार करती है, जिसके कारण चाइनीज कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का पैसा बच जाती है। दूसरा कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी चिप, दोस्तों भारत या किसी अन्य देशों के कंपैरिजन में चीन का जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ता है, और तीसरा वहाँ का लेबर हाईली एजुकेटेड है, यानी वहाँ का लेबर जो है अच्छा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, जिसके कारण कम समय में ज़्यादा काम करता है, और चौथा लो एडवर्टाइजिंग, यानी ये कंपनी जो है एडवर्टाइजिंग कम करती है या फिर करती ही नहीं है। यानी जैसे बड़े बड़े कंपनी को अगर देखते हैं तो वो कंपनी न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, या फिर और भी बैनर के माध्यम से, या फिर और भी कई तरीके से जो है एडवर्टाइजिंग करते हैं, नेट के माध्यम से एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी खर्चा हो जाता है। और साइज, यानी कंपनी छोटा रहता है तो कहीं कहीं मतलब एक ही जगह उनका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, एक दो जगह उसका ऑफिस रहता है, लेकिन जब कंपनी बड़ा रहता है तो कई जगह उनको ऑफिस खोलना पड़ता है, इसका यूनिट खोलना पड़ता है, जिसके कारण उसको ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। यही सब कारण है जिसके कारण जो है बड़े कंपनी को जो है प्रोडक्ट तैयार करने से लेकर और मार्केटिंग करने तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट जो है कॉस्टली होता है, यानी महंगा होता है। और लेकिन चाइनीज कंपनी को जो है ये पैसा सब बच जाता है, रिसर्च और डेवलपमेंट का, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल सस्ता है जिसके कारण बचता है, ये लेबर जो है उनका हाईली एजुकेटेड है जो कम समय में ज़्यादा काम करते हैं जिसके कारण उसको बचता है, एडवर्टाइजिंग बहुत ही कम करते हैं जिसके कारण बचता है। दोस्तों एडवर्टाइजिंग जो है वो एक आंकड़े के तौर पर जो है बड़े बड़े जितने भी कंपनी हैं प्रोडक्ट जितना तैयार करते हैं उसका 25-30% जो है वो अपने एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो है प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा रहता है।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।